नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हितेंद्र राणा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे सिंगिंग स्टार प्रोग्राम को बहुत प्यार दिया, बहुत लाइक सब्सक्राइब और कमेंट किए, उस प्रोग्राम को दूर दूर तक पहुँचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। दोस्तों, उस प्रोग्राम से हमने एक वादा किया था कि जो भी कमाएंगे उसको हम कोरोना काल में स्पेंड करेंगे ज़रूरतमंद लोगों में। तो हमने उस पैसे को चुरा की 10 ऐसी रिमोट पंचायतों में सैनिटाइज़र, मास्क और हैंड वॉश की शक्ल में एक किट बना के लोगों में बांटा। एक छोटा सा इनिशिएटिव था जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अगर आप ना होते तो हमारा प्रोग्राम इतने दूर तक नहीं पहुंचता और हम ये सब नहीं कर पाते, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अब दूसरी बात, दोस्तों इतने वक्त के बाद मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ तो इसका एक कारण है कि मैं लेके आ रहा हूँ एक टॉक शो। इस टॉक शो में हम मिलेंगे कुछ ऐसे लोगों से, ऐसी संस्थाओं से जो समाज के लिए, देश के लिए और कुछ ऐसे वर्गों के लिए काम कर रहे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको सच में किसी की ज़रूरत है। तो ऐसी संस्थाओं और लोगों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा अपने टॉक शो में। दोस्तों, जन कल्याण या किसी की सहायता करना एक बहुत बड़ा जिम्मा होता है। जो लोग ये करते हैं उन पे एक धुन सवार होती है, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, बस उन पे एक धुन सवार होती है कि बस ये करना है, लोगों की सहायता करनी है, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। आज भी मैं बात करूंगा कि ऐसी संस्था की। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि सूरज ना बन पाए तो दीपक बन के चलता चला। दीपक भाटिया यही नाम है, इनकी एक संस्था है चंबा में, प्रेरणा द इंस्पिरेशन। बहुत सालों से ये लोग जन कल्याण के काम कर रहे हैं, साफ सफाई या कोई और जो मुद्दे होते हैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए, या एनकरेजमेंट प्रोग्राम्स, इवेंट्स, या फिर इस कोरोना काल में राशन, दवाइयां। लगातार पिछले साल से मैं इनको देख रहा हूं कि लगातार राशन बांट रहे हैं, दवाइयां बांट रहे हैं, गांव गांव जाके ज़रूरतमंदों में पूर्ण सेवा भाव से लगे हुए हैं। तो ये संस्था चंबा और वहाँ की रिमोट या और इवन चंबा के बाहर भी काम कर रही है, निस्वार्थ भाव से सेवा में लगी हुई है। मेरा भी एक छोटा सा इनिशिएटिव इनके साथ ये है कि मैं भी जुड़ा हूँ इस संस्था से। बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं इस संस्था के, बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है अभी ये, और सभी लोग जुड़े हुए हैं और दीपक जी के साथ मिल के इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, देश सेवा में लगे हुए हैं, अपने राज्य और ज़िले की सेवा में लगे हैं, अपने लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, एक धुन लेके दौड़े हुए हैं। तो इसी धुन के साथ वो इस स्थिति में, आज की स्थिति में, आज के दौर में, चाहे वो राशन दवाइयाँ हों, बांटने में लगे हुए हैं। कहते हैं ना कि चले चलो रे बंधु, चले चलो रे, एक छोटी सी कोशिश है इनके काम को दिखाने की। तो किस तरह से ये लोग अभी काम में लगे हुए हैं, एक धुन, एक तारा, एक ही मकसद के साथ, चले चलो रे बंधु, चले चलो। निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे,
निकल पड़ो रे राही, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही, निकल पड़ो रे। अरे नामुमकिन भी मुमकिन होवे करके देखो रे बंधु, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही, निकल पड़ो रे। दम और शान पे उसका नहीं ध्यान, लगा जिसको लगा प्रेम, जागा जिसमें जागा प्रेम। अरे कोई देखे ना देखे वो करता जाए काम, लगा जिसको लगा प्रेम, जागा जिसमें जागा प्रेम। अरे दर दर जावे प्रेम जगावे, दर दर जावे प्रेम जगावे, लगा प्रेम, लगा जिसको लगा प्रेम, जागा जिसमें जागा प्रेम। दर दर जावे प्रेम जगावे, तुम भी जागो रे बंधु, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही, निकल पड़ो रे। जिसे भी किसी तड़प ने, किसी लगन ने छुआ, जब भी छुआ रे हुआ यही हुआ रे। हर बदली उसकी नजरिया, बदली डगरिया, वो तो निकल पड़ा रे घर से, निकल पड़ा रे। दर दर जावे, दर दर जावे हाक लगावे, निकल पड़ा रे वो तो, निकल पड़ा रे घर से, निकल पड़ा रे। दर दर जावे हाक लगावे, तुम भी सुनो रे बंधु, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही, निकल पड़ो रे। अरे नामुमकिन भी मुमकिन होवे करके देखो रे बंधु, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही, निकल पड़ो रे। अरे नामुमकिन भी मुमकिन होवे करके देखो रे बंधु, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही, निकल पड़ो रे। तो दोस्तों कहते ना कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां इसी सोच के साथ ये संस्था कई वर्षों से निस्वार्थ भाव से अपने काम में लगी हुई है। मैं चाहता हूं कि आप भी इस संस्था से ज्यादा जुड़ें। इनको आप तक पहुंचाने का मेरा मकसद भी यही था कि आप देखें कि हमारे जिला में, हमारे राज्य में एक ऐसी संस्था है जो कई वर्षों से निस्वार्थ अपने काम में लगी हुई है। इस तरह के लोगों और संस्थाओं का हमें हौसला बढ़ाना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आप भी इनके साथ आगे बढ़ें, जन कल्याण में अपना योगदान दें। इसी के साथ मैं भी आपसे विदा चाहूंगा, और मेरा सलूट है प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था को कि इतने वर्षों तक बिना किसी डर, बिना किसी दर्द दुख, बिना किसी देश भाव के अपने कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे योद्धाओं को मेरा सलूट प्रणाम। इसी के साथ मैं आज आपसे लूंगा इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।